हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि बालों को हाइलाइट्स कैसे करते हैं। तो ये हैं इनके विदाउट हाइलाइट्स वाले बाल। अब हम देखेंगे हाइलाइट्स का प्रोसीजर कि कैसे हाइलाइट्स किया जाता है। ओके गाइस, आपने मेरे इसके पहले वाले वीडियो में हेयर स्टाइल देखी, आपको पसंद आई क्या? आप सारे मेरे वीडियोस जरूर से देखिए। आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल। आप मेरे सारे वीडियोस अच्छे से देखिए तो उसमें आपको ब्यूटी टिप्स बहुत सारी देखने को मिलेगी। ओके, चलिए तो अब सीखते हैं हाइलाइट्स कैसे किया जाता है। तो गाइस, ये है क्रीम और डेवलपर मैंने मिक्स कर लिया है, और यह है फॉइल पेपर जो हमें अभी हाइलाइट्स के लिए लगेगा। तो चलिए करते हैं। लेंगे हम उल्टा सीधा, उसको देख लेंगे बराबर से, और यहाँ से एक एक पार्टिंग लेके हम इस तरह से रखेंगे और हमारा क्रीम को इस तरह से अप्लाई कर देंगे। छोटे छोटे लेयर्स लेने हैं, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं। इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इनको थोड़ा आगे ज़्यादा चाहिए तो हम उस तरह से आगे के पोर्शन को प्रॉपरली हाइलाइट्स करेंगे। ऑयल पेपर नहीं यूज़ करोगे ना तो कलर होगा नहीं इस तरह से पूरा अच्छे से, इसलिए आपको फॉइल पेपर की मदद से ही करना है। और इसको बहुत ऊपर से नहीं लगाना है, वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। पोर्शन हम अच्छे से कवर करेंगे थोड़ा। इस तरह से हम पूरे बालों को कवर कर देंगे हाइलाइट्स स्ट्रिप्स लगा लगा के। तो गाइस, इनको ऐसा आके आके जरा अच्छे से चाहिए था, ज़्यादा चाहिए था, इसलिए मैंने आगे इस तरह से ज़्यादा लगाया है।
पीछे सिर्फ 3 या 4 ही स्ट्रिप्स लगाई है। इस तरह से थोड़ा सा नीचे लगा दिया है और दोनों साइड इस तरह से आके लगाया है। अब थोड़ी देर के बाद 10 मिनट्स के बाद हम चेक करेंगे कि कितना हुआ है। तो गाइस देखिए, इस तरह से ये गोल्डन कलर के होने को आए हैं। हाँ, हम थोड़ा सा और चेक कर लेंगे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि ये पानी लगने के बाद थोड़ा कलर कम दिखेगा ना, तो इसको थोड़ा और डार्क होने देते हैं। ओके गाइस, देखिए गाइस, इस तरह से हम ये सारी स्ट्रिप्स अभी खोलना स्टार्ट किए हैं। इसको वॉश नहीं किया है, पर इस तरह से ये स्ट्रिप्स को कलर पकड़ने को शुरू हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, 20 मिनट्स के बाद अभी मैंने वॉश नहीं किए हैं, इस तरह से ये कलर आया है। इसको वॉश करके फिर कॉम करेंगे ना, तो मिक्स अच्छे से हो जाएंगे। वो भी मैं आपको बाद में वॉश करके दिखाती हूँ। अच्छे से गोल्डन कलर आ गया है, थोड़ा सा टाइम लगा। अगर डार्क कलर के बाल हो ना, ब्लैक डार्क कलर के, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो करीबन 20 मिनट्स हुए हैं। देखिए बहुत अच्छे से हुआ है, अच्छा दिख रहा है एकदम से। अब हम जब उसको कॉम करेंगे तो बहुत अच्छे से दिखेगा। इसको पहले मैं वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद आपको प्रॉपरली दिखाती हूँ। पीछे के बाल थोड़े से डार्क हो जाते हैं ना, तो अच्छे दिखते हैं। तो गाइस, ये हाइलाइट्स फिनिश हो गए हैं। अभी बालों को कंडीशनिंग करेंगे पूरी तरह से, डीप कंडीशनिंग, तो बहुत अच्छे दिखेंगे। अभी तो गीले हैं, थोड़े से ड्राई होने के बाद ये पूरा ये शेड बहुत अच्छा आएगा।